कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम 12 खड़ी पढ़ेंगे, तो चलिए पढ़ते हैं 12 खड़ी। आज हम का अक्षर की सहायता के साथ 12 खड़ी पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 12 खड़ी। चलिए आज हम खेल खेल में पढ़ते हैं 12 खड़ी। तो ये देखिए बच्चों, ये क्या है? 12 खड़ी। चलिए देखते हैं बच्चों, यह कौन सी मात्रा है? आ की। बच्चों, यह कौन सी मात्रा है? आ की। और आ की मात्रा को हम हमेशा मुंह खोल कर पढ़ते हैं। जब हम का में आ की मात्रा को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? का पर आ की मात्रा का। इसको हम मुंह खोल कर पढ़ेंगे, का पर आ की मात्रा का। चलिए देखते हैं यह किसकी। बच्चों, यह कौन सी मात्रा है? या छोटी की मात्रा है। और छोटी की मात्रा हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से लगती है। किस साइड से? बाएं साइड से लगती है। ठीक है, तो छोटी की मात्रा को जब भी हम लगाएंगे तो हम कैसे पढ़ेंगे? जल्दी से, का पर छोटी की मात्रा की। का पर छोटी की मात्रा की। छोटी की मात्रा को हम जल्दी से पढ़ते हैं। और किस साइड से लगती है? बाएं साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से लगती है। ओके, नाउ अब हम देखेंगे कि किस चीज की मात्रा है या कौन सी मात्रा है? या बड़ी की मात्रा है। कौन सी मात्रा है? बड़ी की। और बड़ी की मात्रा हमेशा राइट हैंड साइड से लगती है, दाहिने साइड से। तो जब भी हम बड़ी की मात्रा को लगाएंगे तो हम उसको खींच कर पढ़ेंगे। जैसे का में बड़ी की मात्रा लग जाएगी तो क्या होगा? का पर बड़ी की मात्रा की। बड़ी की मात्रा को हमेशा खींच कर पढ़ते हैं, का पर बड़ी की मात्रा की। यह कौन सी मात्रा है? यह छोटा उ की मात्रा है। और छोटा उ की मात्रा को हम जल्दी से पढ़ते हैं, का पर छोटा उ की मात्रा को। छोटा उ की मात्रा को हम जल्दी से पढ़ते हैं, तो का पर छोटा उ की मात्रा को। या कौन सी मात्रा है? या बड़ा उ की मात्रा है। और बड़ा उ की मात्रा को हम हमेशा खींच कर पढ़ते हैं। जब हम का में बड़ा उ की मात्रा को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? का पर बड़ा उ की मात्रा कु। का पर बड़ा उ की मात्रा कु। और हमेशा बड़ा उ की मात्रा को हम खींच कर पढ़ते हैं। या कौन सी मात्रा है? या री की मात्रा है। बच्चों, या कौन सी मात्रा है? या री की मात्रा है। और जब हम का में री की मात्रा को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? क्री। का में री की मात्रा को जोड़ेंगे तो क्या होगा? क्री। बच्चों, यह कौन सी मात्रा है? या ए की मात्रा है। कौन सी मात्रा? ए की मात्रा। और जब हम का में ए की मात्रा को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? का पर ए की मात्रा के। का पर ए की मात्रा के। बच्चों, यह कौन सी मात्रा है? या ए की मात्रा है। जब ऊपर ऐसे दो मात्रा लगी रहती हैं तो उसको ए की मात्रा कहते हैं। बच्चों, जब हम का में ए की मात्रा को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? का पर ए की मात्रा के। का पर ए की मात्रा के। बच्चों, यह कौन सी मात्रा है? या ओ की मात्रा है।
कौन सी मात्रा है? ओ की। और जब हम का में ओ की मात्रा को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? का पर ओ की मात्रा को, का पर ओ की मात्रा को। बच्चों यह कौन सी मात्रा है? यह ओ की मात्रा है। यह कौन सी मात्रा है? ओ की। और जब हम का में ओ की मात्रा को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? का पर ओ की मात्रा को, का पर ओ की मात्रा को। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों यह कौन सी मात्रा है? यह अंक की मात्रा है। जब ऊपर बिंदी लगी रहती है तो उसे हम अंक की मात्रा कहते हैं। और जब हम का में अंक की मात्रा को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? का पर अंक की मात्रा कम, का पर अंक की मात्रा कम। बच्चों आगे देखते हैं। यह कौन सी मात्रा है? यह अह की मात्रा है। जब यहाँ दो बिंदी होती है तो इसे अह की मात्रा कहते हैं। बच्चों जब हम का में अह की मात्रा को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? का पर अह की मात्रा का पर अह की मात्रा का। चलिए बच्चों एक बार हम दोहरा लेते हैं कि कौन सी मात्रा है? आ की। का पर आ की मात्रा का। मुंह खोल कर पढ़ेंगे, का पर आ की मात्रा का। या कौन सी मात्रा है? अभी मैंने आप सबको बताया या छोटी की मात्रा है। और छोटी की मात्रा हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से लगती है और उसको जल्दी से पढ़ते हैं। का पर छोटी की मात्रा की। छोटी की मात्रा को जल्दी से पढ़ते हैं, का पर छोटी की मात्रा की। या कौन सी मात्रा बताई थी मैंने? बड़ी की। और बड़ी की मात्रा हमेशा दाहिनी साइड मींस राइट साइड से लगती है और उसको खींच कर पढ़ते हैं। का पर बड़ी की मात्रा की। का पर बड़ी की मात्रा की, खींच कर पढ़ते हैं। या कौन सी मात्रा है? छोटा ऊ की। और का पर जब छोटा ऊ की मात्रा लगाएंगे तो कैसे पढ़ेंगे? का पर छोटा ऊ की मात्रा को। छोटा ऊ की मात्रा को हम जल्दी से पढ़ते हैं, का पर छोटा ऊ की मात्रा को। या कौन सी मात्रा है? बड़ा ऊ की। और जब हम का में बड़ा ऊ की मात्रा को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? का पर बड़ा ऊ की मात्रा को। बड़ा ऊ की मात्रा को हम खींच कर पढ़ते हैं, का पर बड़ा ऊ की मात्रा को। या कौन सी मात्रा है? री की मात्रा। और का में जब हम री की मात्रा को जोड़ेंगे तो क्या होगा? क्री। का पर ए की मात्रा के, का पर ए की मात्रा कै। कौन सी मात्रा है? ओ की। का पर ओ की मात्रा को। या कौन सी मात्रा है? ओ की। का पर ओ की मात्रा को। या कौन सी मात्रा है? अंक। का में जब अंक की मात्रा को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? का पर अंक की मात्रा कंग। कौन सी मात्रा है? आहा। और जब का में आहा की मात्रा को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? का पर आहा की मात्रा कह। बच्चों इसी प्रकार हम किसी भी व्यंजन किसी भी बच्चों इसी प्रकार हम किसी भी अक्षर में बारह घड़ी लगाकर उसे पढ़ सकते हैं। बच्चों बारह घड़ी को हम इस प्रकार भी पढ़ सकते हैं, का की कु क्रि के कै को क कं कहा। चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं, का की कु क्रि के कै को कौ कं कहा। धन्यवाद।